हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका भीजे एजुकेशन चैनल पे और मैं अमित कुमार आपका इंग्लिश टीचर आपके लिए फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो प्रीवियस टॉपिक जो स्टार्ट किए थे उसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो डायरी राइटिंग था हमारा। तो डायरी राइटिंग कल हम जाने थे कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है, उसका डिफिनेशन देखे थे कि डायरी जो होता है एक हाईली पर्सनल नोट्स होते हैं जिनमें हम अपना फीलिंग्स वगैरह पुट करते हैं, ठीक है। वो फीलिंग्स हमारा सैड वाला भी हो सकता है, हैप्पीनेस वाला भी हो सकता है, एक्साइटमेंट वाला भी हो सकता है, ठीक है, वाट एवर कुछ भी हो सकता है। बट वो एक पर्सनल होने के कारण उस नोट्स को हम लोग सभी के बीच शेयर नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी अराज होता है कि पर्सनल जब होता है तो हम दिखाएंगे क्यों आपको सर, ये भी बात निकल के आता है सामने। तो स्कूल वगैरह में अगर जो डायरी दिया जाता है तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस रहते हैं, कुछ होमवर्क रहते हैं, कुछ टास्क रहता है, उसी को एलोबरेट किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि बच्चे के क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को देखा जाता है, ठीक है। तो आज यहाँ पे आप देखिएगा, एक डायरी होमवर्क है और किस तरह से कॉलम के अंदर फॉर्मेट बना के लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग बच्चे की, पहला जो आपका है फर्स्ट जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे, यस्टरडे यू वर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ठीक है, ये कल की बात है। आप क्या कर रहे थे, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है। सडनली योर आईज गॉट स्ट्रक एट अ न्यूज़ एज टू हाउ अ विलेज गर्ल्स रिफ्यूज टू मैरी अ डॉरी हंगरी बॉय। तो सडनली आपका एक ऐसे न्यूज़ पे नज़र गया जिस पे ये चल रहा था कि एक विलेज गर्ल थी, एक गांव की लड़की थी, वो शादी करने से मना कर दी। क्यों? क्योंकि जो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था, दहेज का भूखा था, इसलिए वो लड़की क्या की, सडनली मना कर दी, ठीक है। यू आर डीपली इम्प्रेस्ड बाई द गट्स ऑफ द गर्ल्स एंड आर इम्पेल्ड टू मेक एन एंट्री इन योर डायरी। और आप काफ़ी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस्ड हो गए उस लड़की से, और इसी टॉपिक को लेके आप क्या करते हैं, एक डायरी लिखते हैं, ठीक है, डायरी एंट्री करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेट दिया हुआ है डायरी का और किस तरह से ये लिखा हुआ, क्योंकि ये एक लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम एक होमवर्क भी आपको देंगे, उसके बाद आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो फॉर्मेट में हम लोग कल बातें किए थे, कुछ गाइडलाइंस था जो हम बात किए थे कि वो ध्यान देना है। अगर जो उन गाइडलाइन को हम लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि एक डायरी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कल हम लोग बात किए थे डेट एंड टाइम के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि अब लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे लिखेगा डेट एंड टाइम, क्यों, टाइम वो एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए जिस टाइम से आपने लिखना स्टार्ट किया है डायरी को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट जो आपका है वो कब का है, ठीक है, डे के साथ लिखा हुआ है और टाइम भी लिखा हुआ है, संडे सेप्टेम्बर 7:20 and 9:15 PM ये टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी लिखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, वो है आपका ड्रामेटिक बिगनिंग, ठीक है। कल भी बात किए थे कि अगर जो अच्छा आपको डायरी लिखना है तो वो बिगनिंग जो होता है वो ड्रामेटिक बिगनिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि लगे कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट वाला डायरी लगे, कि खुद को भी अच्छा लगे और पढ़ने वाला भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। तो स्टार्टिंग जो आपका होना चाहिए वो काफ़ी ड्रामेटिक होना चाहिए, ठीक है, जिससे लगे कि अच्छा मेरा डायरी लिखा रहा है। जिस तरह से इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मेट में एक ड्रामेटिक बिगनिंग किया है, इट इज़ द रियली और एम आई डे ड्रीमिंग, शुड आई पिंच माई सेल्फ, नो, इट वॉज रियली अ हिस्टोरिक मोमेंट। तो इस तरह से आपको भी थोड़ा सा कुछ यूज करना है ऐसे ऐसे वर्ड्स को, ठीक है, तब जाके आपका डायरी काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, क्या आपका टॉपिक था, तो आप पहले उस पे इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्रांति, द इल्डेस्ट ऑफ द थ्री सिस्टर्स, ठीक है। अब क्रांति जो थी वो क्या थी, इल्डेस्ट सिस्टर थी, ठीक है, सबसे बड़ी वॉज वेटिंग फॉर हर मैरिज, ठीक है, जो कि अपने शादी का इंतज़ार करती थी। जैसा कि हम लोग देखे कि उसमें क्या होता है, ड्रामेटिक क्या होता है, कि वो
रिफ्यूज करती है, शादी करने से रिफ्यूज ये करती है क्योंकि जो लड़का रहता है वो काफ़ी भूखा रहता है, ठीक है, दहेज का काफ़ी भूखा रहता है, इसलिए वो मना करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेवलपमेंट, ठीक है, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंसिडेंट। अब जो इंसिडेंट हुआ, आखिर जो वो लड़की मना की होगी दहेज के लिए, वो क्या आगे हुआ होगा, वो आगे का सीन क्या हुआ होगा, क्या एक्शंस हुआ होगा, उसको डेवलपमेंट किया, उस इंसिडेंट को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो आपको भी कोई टॉपिक मिलेगा तो आप इसी तरह से डेवलप्ड कीजिएगा, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स को तो ध्यान में रखते हो क्योंकि क्लाइमैक्स पे ही डिपेंड करता है, जैसे मूवी हो या डायरी हो या स्टोरी हो, वो सारी चीज़ें क्लाइमैक्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको क्लाइमैक्स पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्लाइमैक्स अच्छा हो, ठीक है ना। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आपका है एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए, अ ग्रेट स्टेप इंडीड। एप्रिसिएशन इसमें किसका हुआ, तो उस लड़की का एप्रिसिएशन हुआ है जो रिफ्यूज की, ठीक है, एक डॉडी हंगरी मैन को रिफ्यूज की, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट स्टेप या एप्रिसिएशन कह सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग सब देखे थे कि सिग्नेचर तो मस्ट है, तो आपको भी सिग्नेचर करके एंड करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है।